और आप देख रहे हैं प्रकाश की आवाज न्यूज। आज राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माननीय ललित शर्मा जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्षों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री एवं भारत सरकार नई दिल्ली के संबोधन में ग्राम प्रधानों ने समस्याओं को निराकरण हेतु ज्ञापन दिया। उसी क्रम में आज राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन मिर्जापुर के 12 सूत्री मांग को सौंपा गया। आपको बताते चलें कि जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की घोषणा क्रम के मनरेगा में 5 लाख रुपए के वित्तीय स्वीकृति के अधिकार पंचायतों को और मनरेगा के भुगतान हेतु प्रधान को डोंगल प्रदान किया जाए, जिससे भुगतान पंचायत द्वारा ही किया जा सके। मनरेगा का पैसा ग्राम पंचायतों के खातों में भेजा जाए, जिससे लेबर और मटेरियल का भुगतान सुगमता पूर्वक किया जा सके। जनपदों में मनरेगा द्वारा कराए जा रहे कार्यों का बकायदा मटेरियल, लेबर एवं मिस्त्री के मजदूरी के पैसे का तत्काल भुगतान किया जाए। केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त की धनराशि पंचायतों को समय में, जिससे विकास कार्यों को ससमय पूरा किया जा सके। ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान कंप्यूटर सहायक एवं सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का मानदेय एवं विद्युत बिल का भुगतान हेतु अलग से धनराशि पंचायतों को उपलब्ध कराई जाए। ग्राम पंचायत सचिवालय के सकुशल संचालन हेतु 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष ग्राम निधि में प्रदान किया जाए, तथा रोजगार सेवकों का तबादला एक से दूसरे पंचायतों में करने की नीति बनाई जाए, जिसको लेकर के ग्राम प्रधान। आपको बता दें, ग्राम सचिवों की तैनाती हेतु भी तत्काल क्लस्टर व्यवस्था का समाप्त की जाए। नई नियुक्ति प्रति संचालन के नई स्थायी सचिव तैनात किए जाए। ग्राम पंचायत को कार्यदायी संस्था माना जाए और प्रति ग्राम पंचायत में एक स्थायी जेई की तैनाती की जाए। इन मामलों को लेकर के ग्राम प्रधानों ने आज माननीय ग्राम प्रधानों ने प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी महोदय जनपद के द्वारा आज ज्ञापन दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट प्रकाश की आवाज न्यूज के साथ। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ललित शर्मा जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के जनपद के जिला अध्यक्षों द्वारा प्रधानों के साथ, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, हमारे साथ हलिया ब्लॉक अध्यक्ष सीकर है और 96 कोन ब्लॉक, सब ब्लॉक अध्यक्ष प्रधानगण आए हैं। 12 सूत्री मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है और जो पंचायती राज व्यवस्था को सरकार कमज़ोर कर रही है, एकदम उसका हनन कर रही है। समय से ना मटेरियल का पैसा आ रहा है, अब जो विकास का पैसा केंद्रीय वित्त में आ रहा है तो उसके लिए कह रहे हैं कि आप विकास मत कराइए, तनख्वाह दीजिए। कितने ग्राम पंचायतें हैं कि उनका पैसा सिर्फ तनख्वाह में चला जा रहा है, बिजली बिल में चला जा रहा है, इसी चीज़ को लेकर के। और उसमें मनरेगा का मॉनिटरिंग लेबरों का मोबाइल से कर दिया गया है। अक्सर ग्राम पंचायतों में, दूर दराज क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे उनकी हाजिरी नहीं हो पा रही है। काम करने के बावजूद भी उनकी मजदूरी नहीं मिल पाएगी। इसी सब चीज़ों के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को 12 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिए हैं।